सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मौलाना फजल रहमान के जेर सदारत पीडीएम इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। मौलाना फजल रहमान के पार्लियामेंट से इस्तीफे और इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तजवीज अब पानी सर से गुजर गया है, ये कहना है मौलाना फजल रहमान का। और उन्होंने कहा कि हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन तहरीक चलाई जाए। आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान के जेर सदारत पीडीएम का इजलास हुआ जिसकी अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तफसीला जान लेते हैं, लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत, बताइएगा। लियाकत, आपको हम ठीक से सुन नहीं पा रहे। आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान के जेर सदारत पीडीएम में इजलास हुआ जिसकी अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। मौलाना फजल रहमान की पार्लियामेंट से इस्तीफे और इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तजवीज सामने आई है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि अब पानी सर से ऊंचा हो गया है, हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन तहरीक चलाई जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।